में हूँ आकर के मुझे अपनाइए, आइए प्रभु आइए आकर के दर से दिखाइए, आइए प्रभु आइए। ध्रुव जी ने प्रार्थना किया और ध्रुव जी आ रहे थे इधर से, नारद जी जा रहे थे, अब जाएगा ही नहीं कहने। अरे नारद जी आप लोग ना सुनो, आप लोग पूरब पश्चिम को हो जाओगे तो दिखाई दोगे सब, पूरब पश्चिम के खड़े हो जाओ नारद जी ध्रुव जी तब अच्छे से दिखोगे, पूरब पश्चिम समझते हैं आप। इधर आ जाओ ना बेटा, उतना दूर क्यों चलेगी, इधर आके आ जाओ तभी वो कर पाए। हाँ साहब और इधर आ जाओ। ध्रुव जी ने जैसे ही नारद जी को देखा प्रणाम किया, प्रणाम गुरुवर। नारद जी ने कहा आयुष्मान भव, कहाँ से इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं बालक ध्रुव और मैं भगवत प्राप्ति हेतु वन में तपस्या करने को चला। नारद जी हंसते कह रहे कैसे नादान हो, ये भी भला कोई उम्र है भगवत प्राप्ति की? अच्छा भगवान कैसे मिलता है तुम जानते भी हो? ध्रुव ने कहा महाराज अभी तो नहीं जानता, अब जरूर जानता। नारद जी ने कहा कैसे? बोले आप बताओ, आप ही मेरे गुरु हो, आप मुझे भगवत प्राप्ति की मंत्र और मार्ग बताए। नारद जी ने कान में भगवत मंत्र बताया, ओम नमो भगवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी ने बैठ के तपस्या शुरू की, जाओ नारद बाबा आप अपने घर जाओ। हाँ ध्रुव जी बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवा। ध्रुव जी बैठ गए तपस्या के, ओम नमो भगवते वासुदेवा। छोटा सा ध्रुव बैठ गए तपस्या करने, नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सियाराम 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 सियाराम। मात्र 6 महीने की तपस्या, ध्रुव के सामने भगवान आदि नारायण प्रकट हुए, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी पुनः घर लौटे अपने माता पिता से मिले। ध्रुव जी खड़े होंगे माँ बाप से मिलेंगे वापस।
बच्चों को बुला लो, यहीं पे खड़े हो जाएंगे सबकी आरती हो जाएगी, सब आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब में वासुदेवाय, वासुदेवाय सब में वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, देंगे कल कथा में सूजी का विवाह भी होगा, तो कल की कथा थोड़ा सा विशेष दान पुण्य जरूर कर लेंगे यदि करने वाले होंगे। ज्यादा दान पुण्य के बारे में कहूंगा तो कल आएंगे मिलकर ही पप्पा खर्चे बा, तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, करने वाले कर लेंगे। कल सूजी का विवाह, और कल जो बच्ची पार्वती बनेगी ना आपको सिंदूर देगी, मंत्र से पढ़ा हुआ भी मंत्र सिंदूर हम लोग सूजी की जब विवाह होता है तो पार्वती का आप दिलवाते, ताकि आप सुहागन महिलाओं को मंत्र से पढ़ा सिंदूर प्राप्त हो जाए। तो कल आपको सिंदूर मिलेगा पार्वती जी के हाथों, कल पार्वती जी का विवाह, और कल वामन अवतार, इसीलिए कल दो बार जेब पे खर्चा पड़ेगा जब विवाह होगा।